देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात बहुजन क्रांती मोर्चा, बामसेफ भारत मुक्ती मोर्चा आणि अन्य संघटनांचा सहभाग होता. यावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. तसेच झारखंड राज्यातील सराईकेला जिल्ह्यातील दाकेडी गावात मुस्लिम युवक तब्रेज अन्सारीच्या जमावाने चोरीच्या आरोपाखाली निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. तसेच ठाण्यात जोरदार पाऊस असूनही आंदोलकांनी आंदोलनाला उत्तम प्रतिसाद दिला. जिंदगीभर गुलामी रहेगा. सासू 50-55 साल जहाँ पे इस भारत देश में जब कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस ने अपने शासन काल में धर्मनिरपेक्ष का नारा दिया था कि सर्व धर्म समभाव. फिर भी आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों ऊपर आज तक अन्य अत्याचार होते ही रहते हैं. और 2014 से और 2019 तक जो काल दो बीजेपी का शासन काल रहा, ये शासन काल ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये प्रांत निरपेक्ष और हिंदुत्ववादी ये शासन काल इनका रहा है. और ये हिंदुत्ववादी काल शासन का करती जमात में उन लोगों ने ज्यादा करके हमारे मुस्लिम भाई जो कम्युनिटी है उन लोग में डर पैदा हो सके. और ज्यादा के साथ ज्यादा ये भारत की संविधान में जो कलम लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब आज के हमारे 126 करोड़ लोगों ने इस भारत को भारत ही कहना चाहिए, पर ये बीजेपी शासन काल में इस भारत को भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान कह रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो जंग, इस भारत की आजादी में ये दो जंग रहना चाहिए. हिंदुओं के बारे में हिंदुओं के सिलसिले में मुस्लिमों पर अत्याचार करना चाहिए और ये डर पैदा हो सके, ऐसा डर ये माहौल ये समाज में बनाया जा रहा है. आज हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा किया है इस ब्राह्मणवाद ने. आपने देखा होगा कि जब से आजादी मिली उस समय से हम देखते आ रहे हैं देश में हमें जो संविधान दिया गया था उसमें समता का जो प्रावधान था, बंधुत्व का जो प्रावधान है, वो प्रावधान को ताक पे रख के इस देश में एक विचारधारा है जो विषमतावादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है. इस विचारधारा ने मैं जब से छोटे से लेकर अब बुड्ढा हो गया मैं देखता आ रहा हूँ इस देश में यहाँ क्या है, एक जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, हर वाद जो समाज को डिवाइड करके रखता है, लोगों को खोल के रखता है. और मैंने ये भी देखा है भाषा के नाम पर मारा है, जाति के नाम पर मारा है, प्रांत के नाम पर मारा है. यहाँ इतना अन्याय अत्याचार कौन सी विचारधारा से लोग करते हैं? यहाँ की जो मनुवादी विचारधारा है, विषमता की विचारधारा है, इस विचारधारा को नष्ट करने के लिए हम लोग इस आंदोलन में खड़े हैं. आज बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये हे राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शनाचं आंदोलन जे होत आहे, हे तब्रेज अन्सारी ह्या तरुणावर, या मुस्लिम तरुणावर खोट्या आरोपाखाली अटक करून, खोट्या आरोपाखाली त्याला पकडून मॉब लिंचिंग म्हणजे समूहानं एका व्यक्तीवर अन्याय अत्याचार करायचा आणि एवढा अन्याय अत्याचार केला की तब्रेज अन्सारीला 7 तास ती लोक मारत होती. आणि हा सगळ्याचा सगळा प्रकार जो होता, हा सगळ्याचा सगळा प्रकार त्या लोकांनी व्हिडिओ शूट केला, व्हिडिओ शूट करून हा प्रसारित केला व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर. हे जे प्रकरण मॉब लिंचिंगचं या देशामध्ये सुरू आहे, मुस्लिमांच्या मुस्लिम तरुणांना खास कर एक डर आणि खौफ निर्माण झालेला आहे. या विरोधामध्ये, या मॉब लिंचिंगच्या विरोधामध्ये हे राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन आम्ही संपूर्ण देशामध्ये करत आहोत, त्याचाच एक भाग म्हणून आज ठाणे जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन होत आहे. तब्रेज अन्सारी को जो मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा गया है, ये मुस्लिम भाइयों को एक डराने और धमकाने की एक कोशिश है कि किसी तरीके से वो एक ना हो पाए. हमारे देश में जो मूल निवासी है वो सब एक साथ आ
जागरूक हो रहे हैं इसको दबाने के लिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए। तबरेज अंसारी को इस तरीके से जख्मी करके लगातार 7 घंटे मार के वो मारा गया उसको, इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। क्या ये हमारे लोकतंत्र के हित में है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चलती है। क्या इस तरीके की घटना लोकतंत्र के हित में है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इस तरह से आज तबरेज अंसारी का हुआ, एक ऐसे ही लड़के को गाड़ी से फेंक दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था, ऐसे कितने लोगों को मारा जाएगा? क्या हमारा देश सुरक्षित है? क्या यहाँ के नौजवान सुरक्षित है? ये सरकार क्या करना चाह रही है? तबरेज अंसारी जैसे जवानों को मार के सरकार क्या बताना चाह रही है? उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज हम बहुजन मुक्ति बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कर रहे हैं और इस तबरेज अंसारी की हत्या का जाहिर विरोध करते हैं, धिक्कार करते हैं। कैमरामैन पूनम नलावडे सह प्रतिनिधि चैतन्य शिंदे, आधार न्यूज, मुंबई। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका।